हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे डाटाबेस का क्वेश्चन एंड आंसर। इसमें टॉपिक है हमारा फिजिकल स्टोरेज मीडिया। तो इसमें बताना है, हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल स्टोरेज मीडिया। तो इसमें चार ऑप्शन है, टैप स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, फ्लैश मेमोरी और डी ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसमें हमारा हो जाएगा डी, यानी कि जितने भी हैं सब फिजिकल स्टोरेज मीडिया है, टैप स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज एंड फ्लैश मेमोरी। सेकेंड क्वेश्चन है, तो फ्लैश इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट कॉस्टली फॉर्म ऑफ स्टोरेज विच इज रिलेटिवली स्मॉल, इट्स यूज इज मैनेज बाई द कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि कैसे। चार ऑप्शन दिया गया है, डी कैसे और मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, और इसमें हमारा ऑप्शन होगा कैसे, जो कि फास्टेस्ट होता है। फिर हमारा पूछा गया थर्ड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स सेवरल गीगाबाइट ऑफ डाटा बट यूजली लास्ट वेन पावर फेल्योर, मतलब जब पावर फेल्योर हो जाता है तो भी क्या होता है, डिलीट हो जाता है। तो इसमें हमारा तीसरे का जो आंसर आने वाला है, वो चार ऑप्शन इसमें बताना है। तो इसमें हमारा होगा मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी का अंदर आता है हमारा रैम। रैम में क्या होता है, डाटा लाइफ जैसे ही खत्म होगी क्या होता है, डिलीट हो जाता है। द फ्लैश मेमोरी स्टोरेज यूज आर, किस में यूज किया जाता है कि बताना है। तो जो फ्लैश मेमोरी होता है उसका यूज हम करते हैं, वह होगा हमारा फोर्थ नंबर, यानी कि ये आर ऑफ द मेंशन, सब में यूज होता है, आर, नार, एक्स आर, ये सब में होता है। पांचवा है, इज इंक्रीजिंगली बीइंग यूज इन सर्वर सिस्टम टू इंप्रूव परफॉर्मेंस बाय कैचिंग फ्रिक्वेंटली यूज डाटा सिंस इट प्रोवाइड्स फास्टर एक्सेस देन डिस्क। डिस्क ज्यादा फास्ट एक्सेस करता है वो कौन है, विद लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी देन मेन मेमोरी। जो मेन मेमोरी क्या होता है, ज्यादा स्टोरेज लेता है, तो वह होगा पांचवे का होगा हमारा ए, यानी कि होगा या फ्लैश मेमोरी। विच इज द चीपेस्ट मेमोरी डिवाइस इन टर्म्स ऑफ कास्ट या बिट, सेमी कंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक कॉम्पैक्ट एंड मैग्नेटिक डिस्क। तो छठवें का आंसर हो जाएगा हमारा, वो होगा सी, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क। सेवन नंबर क्वेश्चन है, द प्राइमरी मीडियम फॉर द लॉन्ग टर्म ऑनलाइन स्टोरेज ऑफ डाटा इज द डैश, वेयर द इंटायर डाटाबेस इज स्टोर ऑन मैग्नेटिक डिस्क। सातवें का आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि मैग्नेटिक डिस्क। आठवां क्वेश्चन है, ऑप्टिकल डिस्क सिस्टम्स कैन कंटेन ए फ्यू ड्राइव्स एंड न्यूमेरस डिस्क दैट कैन बी लोडेड इनटू वन ऑफ द ड्राइव ऑटोमेटिकली ऑन डिमांड। चार ऑप्शन है, ये बताना कौन सा सही। आठवें का हो जाएगा हमारा बी, यानी कि जॉब बॉक्स। नौवां क्वेश्चन हमारे यहाँ पूछा गया है, क्या होगा ये बताना है। तो नंबर क्वेश्चन है, देयर आर रिकॉर्ड वंस वर्जन ऑफ द कॉम्पैक्ट डिस्क एंड डिजिटल वीडियो डिस्क व्हिच कैन बी रिटन ओनली वंस, सच डिस्क आर आल्सो कॉल्ड फ्लैश डिस्क। उस डिस्क को हम लोग क्या बोलते हैं ये बताना है। तो नौवे का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हमारा रोम हो जाएगा, यानी कि राइट वंस रीड मेनी, एक बार लिखो बहुत ज्यादा बार पढ़ो। टैप स्टोरेज रिफर, दसवां क्वेश्चन है, टैप स्टोरेज रिफर टू एज, किस स्टोरेज में होता है, डायरेक्ट एक्सेस, रैंडम एक्सेस, सिक्वेंस एक्सेस और ऑल ऑफ द मेंशन। तो दसवें का हो जाएगा हमारा सी, यानी कि सिक्वेंशियल एक्सेस।